नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गया में बिहार का पहला एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष कुमार लवलेस ने इसका उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद अशोक अतिथि भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और उपाध्यक्ष कुमार लवलेस सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। मान लीजिए आपको गया में किस तरीके से आप रोड पे चल रहे हैं, लोग एक आम पब्लिक हर स्टेट में परेशान है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। दिक्कत इसमें क्या आती है, जैसे आप एंटी करप्शन के मेंबर बन गए, आपने इसमें क्या किया कि मान लीजिए आज हमने ACCI में अपने गया चैप्टर को स्टार्ट किया। हम ऑलरेडी 19 स्टेट से ऊपर ऑपरेशनल और हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी और बहुत मेहनत लगेगी। ये लड़ाई हमारी बहुत है, 12 साल से ऊपर हमें हो चुके हैं लड़ते हुए। हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लोग हैं, कार्यालय हैं, और हमें जब जहाँ जैसी जरूरत होती है समझ के आता है जिसके अगेंस्ट, जिससे कि आम लोगों की हेल्प हो सके। पावापुरी के दिगंबर जैन कोठी परिषद में जेडीयू की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना, टीम भावना का विकास करना, बूथ स्तर के संचालन को मजबूत करना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विकास के कार्यों को पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना है। राज्य सरकार के लिए पॉजिटिव छवि बनाने पर काम करना और पार्टी गतिविधियों को व्यवस्थित करना शामिल है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जेडीयू चुनाव लड़ेगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात पर हमारे प्रदेश इकाई के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कैसे ऊंचा रहे, हमारे कार्यकर्ता कैसे क्रियाशील रहे, हमारे कार्यकर्ता का आत्मविश्वास कैसे बढ़े, हमारे कार्यकर्ताओं में आपस में समन्वय कितना सुंदर हो। नालंदा जिले के बिहार थाना के झिंग नागर मोहल्ले में रविवार को बदमाशों ने लाठी और रॉड से पीट पीट कर एक LIC अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। मारपीट में भाई LIC के सहायक प्रबंधक और फ्लाइंग कैप्टन जख्मी हो गए। मृतक प्रवीण कृष्ण दिल्ली LIC में वरीय विकास अधिकारी थे। जख्मी भाई सुदर्शन कृष्ण और कैप्टन सुजीत कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूमि विवाद में हत्या का आरोप लोजपा के महानगर अध्यक्ष छोटे लाल यादव पर लगा है। वारदात की सूचना के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। लाल यादव, उसका कोई जमीन है ही नहीं, इसके पास कोई कागज नहीं है, कागज तो मेरे पास है, मेरा जमीन है। छोटे लाल यादव जबरदस्ती कब्जा गुंडे के बल पर कब्जा कर रहा है और जान मार रहा है। छोटे लाल यादव लोक जनशक्ति पार्टी का नेता। मुंगेर DIG शफियुल हक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर कार्यालय का निरीक्षण किया। DIG ने कांडों की समीक्षा की और सभी थाना अध्यक्षों को लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर भी विशेष रूप से बल दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। तीन गुना का स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने मान लीजिए 10 केस रिपोर्ट होता है तो 30 तक आप लेके चल सकते हैं। बट मोतिहारी में ढाका पुलिस ने वाहन चोर के सरगना को चोरी के गाड़ी के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार चोर मोहम्मद मासूम है, जो ढाका थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि कुछ वर्ष पहले भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है। आपको बता दें कि चोर के घर से पुलिस ने चोरी की एक स्कॉर्पियो, एक बुलेरो और एक बाइक बरामद की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव में वह चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। ये मोहम्मद मासूम है, कुशमावा निवासी हैं, पहले भी 420 में जेल गए हैं और इनके घर से गाड़ी चोरी की बरामद हुई थी।
बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां एक दलित नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह घटना जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीसरा फरार युवक को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस मीडिया के सामने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझ रही। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तार युवक अपने को निर्दोष बता रहा है। बहरहाल हकीकत क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। किशन साहब, ये लोग काहे के लिए पकड़ के लाए हैं? सर देखिए, हम कल आसाम को आ रहे थे, ठीक है, तो लड़की को देखे जो लड़की को गांव का लोग खेद रहा था, वो लड़का के साथ लड़का भाग गया था, लड़किया को पकड़ रहा था, तो हम आके उनका चाचा का जो लड़का है उनका नाम है कन्हैया कुमार, उसके पास फोन किए, देखिए आपका घर का लड़की है, गांव का लोग खेद रहा है, तो आप बोला जे रुको हम आ रहे हैं, आया तो। अररिया में पुलिस कस्टडी में युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद जिला प्रशासन पर कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना रानीगंज के बौसी थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात पुलिस ने हत्या के आरोपी मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया था। सुबह हाजत में इमरान का शव मिला। उसके बाद पुलिस ने शव को सदर अस्पताल अररिया लाया, जहां देखते ही देखते हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग जमा हो गए और हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि इमरान की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल के सामने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि हत्यारे थाना अध्यक्ष परितोष कुमार पर कार्रवाई की जाए। इस हंगामे के बाद पुलिस अधीक्षक हृदय कांत मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। करीब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ है कि मोहम्मद इमरान, ये बौसी थाना के निवासी है, करीब 35 वर्ष का इनका उम्र है। सूचना हमको ये प्राप्त हुआ है कि बौसी थाना में जो थाना का जो अभिरक्षा है हाजत में, हमको सूचना प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। सामान बरामद हुआ था, तो पूछताछ के बाद जब उसको हाजत में रखा गया था, सुबह में वो हाजत में उनका सब वो उनके शरीर लटका हुआ पाया गया, उसके बाद उसको वहाँ से उतार के तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया ताकि आगे किसी किसी सहायता प्रदान की जा सके। उसके बाद अभी डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है, पुलिस हाजत में मृत्यु के दौरान जो भी दिशा निर्देश दिए गए, जो भी एसओपी है, वो सारे कुछ फॉलो करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बोर्डिंग स्कूल गुरुकला का उद्घाटन किया गया। खबरा स्थित प्रधान सदन में स्कूल का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर काशी से आए जगत गुरु डंडी स्वामी अनंतनानंद सरस्वती ने कहा कि बिहार विद्या और ज्ञान की भूमि है, बिहार ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। स्कूल के डायरेक्टर धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्घाटन के दौरान एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, डीआईओ अब्दुल सलाम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये गुरुकुला पूर्ण रूपेण आवासीय विद्यालय है। विद्यालय की प्राथमिकता शिक्षा के साथ संस्कार है। यहाँ कोई भी विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाहेंगे उनको विद्यालय कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा। गुरु शिष्य के बीच का एक संबंध और उस संबंध से जो संस्कार और शिक्षा मिलेगा, ये गुरुकुला का मेन उद्देश्य है। इसमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको बिल्कुल ही रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आने जाने वाले छात्र का यहाँ पर प्रवेश नहीं है, और बच्चे जो भी आएंगे उनके भविष्य उन्मुख, जैसा कि आपने बताया है कि करियर ओरिएंटेड बोर्डिंग स्कूल है। बरेला झील में इन दिनों विदेशी पक्षियों का जमकर शिकार किया जा रहा है। आमतौर पर विदेशी मेहमान पक्षियों से गुलजार रहने वाला यह झील इन दिनों शिकारियों की क्रूरता का गवाह बन रहा है। हालांकि गंगा प्रहरियों के प्रयास से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वन विभाग की कार्रवाई में कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। हालांकि शिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं DFO का कहना है कि अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दो दिन पहले मुझे ये बात की जानकारी है कि बरेला झील हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक दूसरा ये है कि यह हमारे लिए भी, वैशाली ज़िला के लिए भी एक बहुत ही दर्शनीय स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए मैं प्रायोरिटी में मेरा पहले से भी है।
गया नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहर में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में गया नगर निगम के नगर आयुक्त सावन कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कैसे बनाए रखे, जागरूकता कैसे उत्पन्न हो, उसी के तहत आज के कार्यक्रम किया जा रहा साइकिल यात्रा। पिछले वर्ष गया की रैंकिंग काफी खराब रही थी, इससे बरासी परिसर पर थे। इस बार हम लोग का प्रयास तो काफी बेहतर की दिशा में। गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा थाना क्षेत्र के भाकपा माओवादी के सक्रिय सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता ने गया सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया। सब जोनल कमांडर संजय सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। ये हमारे पास आज सूचना थी कि कुछ साथी इनके पुराने आत्मसमर्पण की जो डेवलपमेंट है उससे प्रेरित होकर के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, और हमारे सूचना के अधिकारियों ने इनसे संपर्क स्थापित किया, इनको उत्साहित करते रहे, इनको सुरक्षित माहौल का सुरक्षित तरीके से निकलने का रास्ता सुझाया और आज ही हमारे सामने नक्सली खान को नक्सली ने और तब और आज की स्थिति में काफ़ी काफ़ी विभिन्नता है, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा गया पुलिस तथा मगध क्षेत्र के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने जो मिलकर इतने सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, बहुत उन्होंने मेहनत की, काफ़ी इसमें हमारे लोग शहीद भी हुए हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।